लेकिन जो स्टॉक्स आज मार्केट में खबरों के चलते एक्टिव रहेंगे, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों पर नजरें रखिएगा। मर्जर के मंजूरी के लिए एनसीएलटी में दरअसल दोनों ने अर्जी दे दी है, तो दोनों स्टॉक्स रेडार पर, और आज एक्सपायरी के दिन एचडीएफसी बैंक वैसे भी रेडार पर रहेगा ही। यही नहीं, दूसरा स्टॉक जो आप ध्यान में रखेंगे वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। सीएनबीसी आवाज ने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ध्रुव सानी जो कंपनी के प्रोमोटर है उनकी तरफ से एक ब्लॉक डील में हिस्सा बिक सकता है, 7% हिस्सा बिकने को आएगा। 280 से 85 के बीच दरअसल वो सौदा होते हुए दिखाई दे सकते हैं और वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। 284 के आसपास प्री ओपन के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लुमैक्स इंडस्ट्रीज रेडार पर रखे। पुणे के चाकण में दरअसल ये एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, 175 करोड़ फर्स्ट फेज में इन्वेस्ट करेंगे। इस पूरे प्लांट की क्षमता जो रहेगी वो 600 करोड़ तक का टर्नओवर डिलीवर करती हुई दिखाई देगी, तो वो स्टॉक आज खबरों में यहाँ पर आप रेडार पर रखिएगा ये काउंटर। इसके अलावा देखिए जो दूसरे स्टॉक्स खबरों में है, आप मेट्रो ब्रांड्स जो गाबासा, यहां पर माफ कीजिएगा, राजेश सातपुते ने भी पिक किया, कंपनी ने क्रेवेटेक्स ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया है। क्रेवेटेक्स दरअसल दो इंटरनेशनल ब्रांड्स फीला और प्रोलाइन की डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग भारत में करती है, तो वो फिलहाल एक पॉजिटिव रहेगा, अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है मेट्रो। आयशा मोटर्स ब्राजील में चौथी दरअसल यहां पर एक कंप्लीट नॉकडाउन असेंबली यूनिट शुरू कर रहा है, यानी कि वो बेसिकली यहां से अपने की पार्ट्स भेजते हैं, वहां पर असेंबली होती है और ब्राजील के साथ साथ साउथ अमेरिकन मार्केट में कंपनी एक अपना दबदबा बनाना चाहती है। लगभग 15,000 यूनिट्स असेंबल करके बेचने का प्लान है हर महीने। मैक्रोटेक डेवलपर्स कंपनी के QIP का फ्लो प्राइस तय है, 1022 के आसपास ये फ्लो प्राइस तय किया गया है। याद रखिएगा प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कुछ कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका वो लिक्विडेशन डाइल्यूशन आता हुआ दिखाई देगा। HCL टेक भी आज खबरों में है, इंटेल और मैवनर के साथ दरअसल इन्होंने एक क्रिटिकल 5G एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के लिए करार किया है, तो वो फिलहाल स्टॉक को थोड़ा सा सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। कुछ और खबरों में आज HP, BP, IOC, एशियन पेंट्स और PSU बैंक रेडार पर रखे। $78 के नीचे इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है कच्चा तेल, और 4 दिनों में 11% करेक्ट कर चुका है। ONGC के लिए भी एक दरअसल अपडेट आया है कि इन्होंने शेल के साथ कार्बन यूटिलाइजेशन और उसकी स्टोरेज के लिए एक रिसर्च करने वाले हैं, उसके लिए करार किया, तो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और जो आज का इम्पोर्टेंट 10वां स्टॉक है जो आप रेडार पर रखे वो है फीनिक्स मिल्स। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1688 का टारगेट दिया, उनको लग रहा है एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक भी आज खुलने के साथ ही एक्शन में रहेगा, इस पर भी होनी चाहिए आपकी नजरें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।